हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइज 5.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 क्या कह रहा है। इफ ए इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का, प्रूव दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया है, देखिए इसके एलिमेंट यहाँ पर हो जाएंगे 2, 3, 4, 5। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसका ट्रांसपोज बताओ तो ए का पावर टी, ये ना लिखोगे क्या हो जाएगा, रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे 2, 3, 4, 5। चलिए हमें a माइनस ए के ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, तो पहले a माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 2, 3, 4, 5, माइनस का यहाँ है 2, 4, 3, 5। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, -1, 1, 0। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्योंकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिखाना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा 0, -1, 1, 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0, -1, 1, 0। तो देख रहे हैं कि यह इसका ट्रांसपोज जो है इसके निगेटिव के इक्वल हो जा रहा है। ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज की ना वैल्यू है, तो हम लोग देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर इफ, देखिए a एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3, -4, 1, -1, ठीक है। सो डैट a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे चलो अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा 3, -4, 1, -1। रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया। चलिए अगर हम लोग ए माइनस ए के ट्रांसपोज की बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे 3, -4, 1, -1, और माइनस हम लोग इन दोनों का मैट्रिक्स का वैल्यू पहले लिख देते हैं 3, 1, -4, -1, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, -5, 5, और यहाँ हो जाएगा आपका 0। चलो अब हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, किसको इस, क्योंकि इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 0, -5, 5, 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 0, -5, 5, 0। हम क्या देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल हो जा रहा है। ये ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ही ना वैल्यू है, तो हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पे कि a माइनस ए का पावर t इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इफ द मैट्रिक्स ए, यहाँ मैट्रिक्स दिया है ए 3x3 ऑर्डर का, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड ए एक्स वाई जेड एन टी, एक्स वाई जेड एन टी का ये वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्या कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा ना, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे होगा क्या, देखो रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे 5x2xyz-3 और यहाँ पर 4t-7 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर इस मैट्रिक्स के 5x2xyz-3 4t-7। हमें पता है कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिख दिया और यहाँ पे वो मैट्रिक्स रख दिया। अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 2, ठीक है, z का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जेड और यहाँ जेड दोनों जगह जेड ही है, तो जेड कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखो दोनों जगह जेड ही है तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। 2 रखेंगे तो भी ठीक है, 3 रखेंगे तो भी है, 1/2, 1/7, √3, √5 कुछ भी रखेंगे ये सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, और टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू -3। समझ गए, चलिए हमने एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू निकाल दिया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। लेट, यहाँ पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया 3x3 ऑर्डर का, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू में ए, वेयर एक्स इज सिमेट्रिक एंड वाई इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर a इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू में दिया हुआ है x प्लस वाई, ये ना दिया हुआ है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि वेयर x इज सिमेट्रिक, x इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड y इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ x और y का वैल्यू निकालना है, x और y मैट्रिक्स निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें x सिमेट्रिक और y स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम लोग यहाँ पे इसी के साथ यहाँ लिख देते हैं नीचे कि x का ट्रांसपोज x हो जाएगा और y का ट्रांसपोज जो होगा माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसलिए ऐसे ही ना होगा। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे a के ट्रांसपोज इक्वल टू में यहाँ पर कर देते हैं x का ट्रांसपोज और y का ट्रांसपोज, ऐसे कर सकते हैं ना, इस पर ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ a का ट्रांसपोज किसको हो जाएगा, तो x का ट्रांसपोज x हो जाएगा और y का ट्रांसपोज माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाउ a प्लस a इक्वल टू में x प्लस y और a का ट्रांसपोज इक्वल टू में x माइनस y। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सिम्प्लीफाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू में 2x, यानी कि x इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एंड y इक्वल टू आ जाएगा, आप इसी को सॉल्व करेंगे या इसी का वैल्यू x फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ हमने ऐड किया है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना तो ये आपकी बार x से x कट जाता और ये 2y हो जाता, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ x और y मिल गया, तो हमें a का वैल्यू दिया है ना, तो इससे ये नहीं निकाल सकते हम। चलिए, तो सॉल्व करके निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स a क्या दिया था, a इक्वल टू में ऊपर हमारे पास दिया है 3 2 7 1 4 3 -2 5 8, और इसका अगर ट्रांसपोज की बात करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 2 7 1 4 3 -2 5 8, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए। अच्छा, हमें इसका वैल्यू निकालना, तो देखो मैट्रिक्स एक्स क्या है, 1 बाई 2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऐड करेंगे तो यहाँ 6 3 5, यहाँ 3 8 8, ये ना होगा जी, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 8 16, 1 बाई 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 3 3 बाई 2 5 बाई 2 3 बाई 2 4 4 5 बाई 2 4 8, ये हो जाएगा x का वैल्यू, समझे ना। अच्छा, अब हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू किसके है, तो 1 बाई 2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 1 बाई 2, अब देखो a में से a का ट्रांसपोज सब्ट्रैक करते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक करेंगे तो 0 1, यहाँ 9 माइनस का 1, 0 माइनस 2 माइनस का 9 2 0, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो तो आ जाएगा आपका 0 1 बाई 2 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 0 माइनस 1 माइनस 9 बाई 2 0 सॉरी 1 1, और यहाँ पर 0, तो ये आपका y का वैल्यू आ गया, समझ गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, यहाँ 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ मैट्रिक्स ए क्या है, देखो ध्यान से, 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1, ये ना है। अच्छा, अगर हम लोग इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1, अच्छा अब देखो
हमें पता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालूँ क्योंकि इसका जरूरत मुझे पड़ने वाला है, और फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज आगे हमें यूज करना पड़ेगा इसका, इसलिए मैं पहले ये निकालता हूँ। तो इसके एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे, पहले मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3 5 7 1 -2 1, और प्लस में ए का ट्रांसपोज ये रहा 4 3 1 2 5 -2 -1 7 1। ठीक है, ऐड करने पे क्या आएगा, 8 5 0 5 10 5। ठीक है, फिर यहाँ 0 5 2, और a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, चलिए दोनों मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं, 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 3 1 2 5 -2 -1 7 1। चलिए अब इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 0 -1, फिर आपका माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 9, यहाँ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा आपका -9, और यहाँ आ जाएगा आपका 0। ठीक है, चलिए अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही ना हो जाएगा। तो ए इक्वल टू में लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये रहा 8 5 0 5 10 5 0 5 2 प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये रहा 0 -1 -2 1 0 9 2 -9 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 5/2 0 5/2 5 5/2, फिर यहाँ पे 0 5/2, यहाँ 1, और प्लस 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 -1/2 -1। ठीक है, 1/2 0, ठीक है, 9/2 यहाँ 1 -9/2 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो ये सम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम में रिप्रेजेंट नहीं कर दिए हम लोग, ऐड नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, डिफाइन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट फॉर ए इक्वल टू, देखो यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स दिया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए का ट्रांसपोज ए का पावर टी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का पावर टी का मतलब यहाँ ट्रांसपोज से है, हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करना है, डिफाइन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, अब क्या कर रहा है आगे, हमें ये प्रूव करना है
ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या दिया है जिसका एलिमेंट है 2, 4, 5, 6 और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ 2, 4, 5, 6। अच्छा अगर हम लोग इन दोनों के सम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो पहले इनसे इस दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका 4, 9, 9, 12। तो अब देखो a प्लस a का ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 9, 9, 12। तो देख रहे हैं ये फिर वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, यानी कि a प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है फिर से हमें a प्लस a का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर a प्लस a का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर का है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3-4, 1-1। अच्छा अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका 3-4, 1-1, ऐसे ना लिखेंगे, चलिए यही ना होगा। चलिए अब हम लोग इन दोनों का एक बार सम निकालते हैं, तो सम निकालेंगे तो देखो क्या होगा 3-4, 1-1 प्लस में 3, 1-4, -1। चलिए ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 6 माइनस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देखो मैट्रिक्स ए यहाँ पर दिया हुआ 3-4, 1-1 और माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ निकाले हुए हैं 3, 1, -4, -1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 माइनस का 5, यहाँ प्लस का 5 और यहाँ पर 0। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ से a इक्वल टू में 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज यहाँ पे ये वैल्यू है 6-3-3-2 ना हो जाएगा और प्लस में 1/2 a माइनस a के ट्रांसपोज का वैल्यू है 0-5, 5, 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मैट्रिक्स a क्या हो जाएगा, ये 1/2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3-3/2, -3/2, -1 और प्लस यहाँ हो जाएगा 0-5/2, 5/2, 0। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस 3x3 ऑर्डर का है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। हम लोग इसे लेट मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3-2-4, 3-2-5, -1, 1, 2। अच्छा और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज देखो क्या आ जाएगा 3-2-4, 3-2-5, -1, 1, 2, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर हम लोग कहें कि यहाँ पे a प्लस a का ट्रांसपोज बताओ तो आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ लो, डायरेक्टली मैं जोड़ देता हूँ, देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1-5, फिर आपका हो जाएगा यहाँ 1-4, ठीक है यहाँ हो जाएगा -4
माइनस का 5, माइनस का 4, यहाँ प्लस का 4। अच्छा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो आ जाएगा 0, माइनस 5, ठीक है, माइनस 3, यहाँ 5, 0, माइनस 6, 3, 6, 0, ये ना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस में 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखते हैं ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये रहा 6, 1 माइनस 5, 1 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 4, 4, ठीक है, और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये रहा 0 माइनस 5 माइनस 3, 5, 0 माइनस 6, 3, 6, 0, ये ना हो जाएगा। चलिए अब 1/2 से इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3, 1/2 माइनस का 5/2, फिर यहाँ 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 प्लस 2, और यहाँ देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2 5/2, है ना जी, 5/2, 0 माइनस 3, 3/2, 3, 0, यही ना आएगा। तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया। अब देखो इसका चेक करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना था ना, आपके ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई योर रिजल्ट, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए देखो हम लोग ए इक्वल टू में ले लेते हैं सी प्लस डी, वेयर सी इज सिमेट्रिक एंड डी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सी जो मैट्रिक्स है हम इसको ले लेते हैं, यही ना सिमेट्रिक है, 3, 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2, 2। अच्छा, और डी जो है, देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर मैट्रिक्स यही मिलेगा, अगर आप ऐड करना चाहोगे तो, ठीक है, समझे ना। यहाँ पे देखो 5/2 0 माइनस 3, 3/2 3, 0, यही ना हो रहा है। चलिए अब देखिए इसके बाद अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 3, 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2, 2, तो फिर वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, सेम वही ना आ जा रहा है, यानी सी के ही को लेते हैं, सिमेट्रिक है। अच्छा इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2, यहाँ 5/2 5/2 0 माइनस 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 3, 0, यही ना हो रहा है। चलिए अब देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन करूँगा तो देखो क्या होगा, माइनस कॉमन करते ही यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 5/2 0 माइनस 3/2 माइनस 3 सॉरी माइनस 3, ठीक है, माइनस का 3/2 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3/2 प्लस का 3 प्लस का 0, तो ये जो आ रहा है देखो यही ना मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डी का ट्रांसपोज हो रहा है उसके निगेटिव के इक्वल हो जा रहा है,
तो देखो तो ये हमने वेरीफाई नहीं कर दिया, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड इसलिए हो गया कि देखो ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैंने वेरीफाई कर दिया, इसका मतलब ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप इन दोनों को ऐड करके भी देखेंगे, ऐड भी आप लास्ट में कर देना, तो ऐड करने से क्या होगा, फिर हमें मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। तो ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।